हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं आज के स्टूडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं कि आपका जो मॉपअप काउंसलिंग, ठीक है, जो मॉपअप काउंसलिंग जो है आपका कहाँ होगा, आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी ये जान लीजिए कि आपका जो है अभी जो क्या चल रहा है, ऑनलाइन विलिंगनेस चल रहा है, ठीक है, जो कि 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक जो है लिंक एक्टिव है बोर्ड पर, ठीक है, ऑफिशियल बोर्ड पर जाकर वहाँ पर अपना जो है विलिंगनेस सबमिट कर दीजिए। ठीक है, विलिंगनेस में होता है इच्छा, ठीक है, अपना इच्छा जो है वहाँ पर अपना जाकर कर दीजिए। ठीक है, 19 तारीख से लेकर जो है 26 तारीख तक यह जो लिंक है एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपका पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम, उसके बाद जो है प्रोग्राम जो है काउंसलिंग का वह स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख को जो है एक लिस्ट जारी होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें दिया रहेगा कि किसको जो है कब जाना है, कितना तारीख से, ठीक है, और यह प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 7 तारीख से यह जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आपको कहाँ जाना है। देखिए, मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित अगर आपको फ्रेंड्स सारा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, मेरा दूसरा चैनल का, ठीक है, उस पर फ्रेंड्स आपका जो है सारा डिटेल दिया जाएगा मॉपअप काउंसलिंग से संबंधित। ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक जो है मेरे दूसरे चैनल पर जो है वीडियो आते रहेगा, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से पढ़िए, इन सीटों को भरने हेतु ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग का दिनांक 7/10/2022 से प्रारंभ होगा। यह ऑफलाइन काउंसलिंग पर्षद कार्यालय आई एस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जो है पटना में आयोजित होगा। तो कहाँ होगा फ्रेंड्स? पटना जो है यहाँ पे आई एस संघ भवन पटना में फ्रेंड्स आपको जो है जाना पड़ेगा, और जो कि जो है कहाँ पर है यह जो है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर है, हवाई अड्डा के निकट, पटना हवाई अड्डा के निकट में फ्रेंड्स एक जो है आई एस संघ भवन पटना है, वहाँ पे आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अगला वीडियो फ्रेंड्स उस चैनल पे वीडियो आ जाएगा जिसमें बता देंगे आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, इसीलिए आप इसे तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।